सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की पाठशाला। सो आज का जो एग्ज़ाम था आप लोगों का कंपनी लॉ का, काफ़ी पेपर इजी था, काफ़ी इजी था। और जो भी मैंने सजेशन दिया था, आपको पता होगा अगर आपने मेरे सजेशन से पढ़ा है, आपको कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लगा होगा, सब कुछ आया। एक दो क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी रहता है, तो कोई बात नहीं, उतना तो चलता ही है, हर एग्ज़ाम में नहीं रहेगा तो फिर एग्ज़ाम ही क्यों दे रहे हैं। बाकी सब ओवरऑल पेपर काफ़ी ईजी था। सेक्शन वगैरह हम बोले थे भर भर के आएगा, तो भर भर के ही आया है। और सेक्शन जो जो हम इंपॉर्टेंट मार्क किए थे उसी से आया है, ठीक है। सो चलो आंसर डिस्कस करते हैं। आंसर आपके स्क्रीन में है, ठीक है, तो आंसर डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो ग्रुप ए मेरे पास है, ठीक है। अब मत बोलना सेट इसका बताओ, बी का बताओ, सी का बताओ, क्वेश्चंस भी लाओ ना, क्वेश्चन से तुम करते हो राइट, क्वेश्चन तो सब सेम ही रहता है, जंबल कर दिया तो क्या हुआ, ठीक है। अब फाइनली आप लोग का बहुत दिन छुट्टी रहेगा, आराम से पढ़ना। चलो पहला क्वेश्चन है ग्रुप ए का जो था, कंपनी इज़ डैश बॉडी क्रिएटेड वैल्यू, ऑब्वियसली वी ऑल नो कि आर्टिफिशियल बॉडी है, तो बी होगा आंसर। दो नंबर पूछ रहा है कि अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ डैश डायरेक्टर। ध्यान रहे बहुत जन इसका आंसर डी कर दिए होंगे, सेवन। भाई डायरेक्टर पूछ रहा है ना, मेंबर नहीं पूछ रहा है, मेंबर सेवन होते हैं, डायरेक्टर तीन होते हैं, तीन। अगर आपने पढ़ा हुआ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर तो पता होगा ओपीसी में एक रहता है, प्राइवेट में दो रहता है और पब्लिक में तीन रहता है। इसका आंसर जो होगा टू का ए होगा, थ्री नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्या कंपनी मस्ट हैव अ डैश ऑफिस। तो ऑब्वियसली हम लोग कंपनी लॉ में एक सेक्शन है कि हर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना ही चाहिए, तो रजिस्टर्ड ऑफिस डी नंबर आंसर होगा, ठीक है। अ डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन दिया गया सेक्शन टू क्लॉज 246 में दिया गया है, फोर नंबर का बी नंबर आंसर है। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्या है द प्रोमोटर स्टैंड्स इन, इसका आंसर होगा फिडिशियरी पोजिशंस, ओनली ए, नॉट बोथ एन ए, बोथ ए एंड बी नहीं होगा, ओनली ए होगा। सिक्स, क्या पूछा डैट फिक्सेस द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ एक्टिविटी। हम लोग पढ़े ना मेमोरेंडम, क्या ना बाउंड्री सेट कर दिया था, इसी के अंदर ही काम करना होगा कंपनी को, तो मेमोरेंडम ही होगा, ठीक है। इसका आंसर आर्टिकल्स नहीं होगा, आर्टिकल्स इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, एक्टिविटीज एक्सटेंट सेट नहीं करता कितना दूर तक हम लोग काम कर सकते हैं, ये सिर्फ मेमोरेंडम करता है। अब आते हैं सेवन पे, सेवन क्या बोल रहे हैं ना, हाउ मेनी मेंबर शुड साइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। देखो पब्लिक कंपनी में ना मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर साइन करता ही है ये, अगर तुम प्राइवेट कंपनी खोल रहे हो तो दो नंबर दो चाहिए कंपनी खोलने के लिए, ठीक है। तो कम से कम यहाँ पे कम से कम सात जन का सिग्नेचर चाहिए, तभी हम मेमोरेंडम में साइन करेंगे, मेमोरेंडम में कंपनी खोला जाएगा, ठीक है ना। तो मिनिमम सेवन होगा आंसर, सेवन का ए होगा राइट। एट नंबर क्या बोला, मैक्सिमम नंबर प्राइवेट कंपनी बहुत साल से पढ़ के आ रहे हैं, 20 होगा, सॉरी 200 होगा, ए नंबर आंसर है इसका, प्राइवेट कंपनी बोल रहा है, ठीक है। अब नाइन नंबर क्वेश्चन, क्या अपॉइंटमेंट ऑफ डैश डायरेक्टर इज कंडक्टेड बाय आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स में ना लिखा हुआ है कि पहला जो डायरेक्टर होगा ना कौन बनेगा, ठीक है ना, तो फर्स्ट डायरेक्टर इसका आंसर होगा, क्योंकि आर्टिकल्स से ही आर्टिकल्स में लिखा रहता है पहला डायरेक्टर कौन बनेगा, ठीक है। टेन, सेक्शन टू क्लॉज 47 में किसका डेफिनेशन लिखा गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 11 नंबर पूछता है डैश ऑफ द डायरेक्टर इज गिवन अंडर सेक्शन 179, तो 179 में ना पावर ऑफ बोर्ड दिया हुआ है, पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो इसका आंसर होगा जो 11 का होगा बी, विथआउट डैश नो इंडिविजुअल शैल एक्ट एज अ डायरेक्टर। ऑब्वियसली डायरेक्टर एक्ट नहीं कर पाएगा अगर उसके पास डिन नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। 12 का सी आंसर होगा, ठीक है, मार्क किया हुआ, मार्क करके आप तो स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो। अब आता है प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डैश कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसका आंसर होगा डिबेंचर, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर पाते हैं मे बी प्रोसीड फ्रॉम डिफरेंट इश्यूज ऑफ शेयर्स, ठीक है, तो ये होगा डिबेंचर, इसका आंसर होगा। अब आ जाते हैं 14, बाय बैक ऑफ शेयर मेड मे बी मेड फ्रॉम कौन कौन सा, तो हम लोग पढ़े हैं कि बाय बैक ओपन मार्केट से कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कर सकते हैं, ठीक है। अगर एम्प्लॉई भी मेरा अगर शेयर होल्डर है तो वो भी तो शेयर होल्डर में ही आ गया ना, तो एनी ऑफ दिस होगा, ठीक है। अब 15 आता है डीमैट सिग्निफाइज कन्वर्शन ऑफ शेयर सर्टिफिकेट फ्रॉम फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक, इसका आंसर होगा डी, 15 का डी, ठीक है। अब एक दो में कॉन्ट्राडिक्ट हो उसके लिए लड़ाई मत करना, तुम लोग कमेंट में हुआ बता देना, हम अपना करेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तुम लोग लड़ने लग जाते हो कमेंट में, लड़ो मत, लिख देना बस, हम करेक्शन करना हुआ हम कर देगा, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली सारा आंसर राइट है, एक दो में हुआ तो हुआ, ठीक है। 16 देखो, 16 डैश कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज कॉल्ड एंड पेड अप, ठीक है, तो इसको पेड अप कैपिटल ही बोलेंगे, क्योंकि पेड अप कैपिटल में ही कॉल्ड अप कैपिटल का एक पार्ट है पेड अप कैपिटल, इसको पेड अप कैपिटल क्योंकि पेड अप है, ठीक है। अब आते हैं एवरी कंपनी शैल होल्ड डैश विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी ओपन होने के 30 डेज के अंदर हम लोग
पहला बोर्ड मीटिंग करते हैं राइट, तो इसका आंसर होगा 17 का सी। 18 क्या बोलता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू, इसका आंसर होगा बी, कंपनी ही होगा, क्योंकि कंपनी का हम लोग बेसिक फीचर में पढ़ते हैं कि कंपनी कैन होल्ड एनी प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन नेम, खुद का ओनरशिप ले सकता है, तो कंपनी का प्रॉपर्टी कंपनी को ही बिलोंग करेगा ना, राइट। 18 का बी। अब आता है 19, कितने बोर्ड मीटिंग करते हो, हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं 4 बोर्ड मीटिंग, एटलीस्ट कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करना ही पड़ेगा, वो आंसर होगा तो ए होगा 19 का ए। 20 बोलता है नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग किसको देना पड़ता है, सबको देना पड़ता है कि 3 जन को देना पड़ता है, मेंबर्स, ऑडिटर और डायरेक्टर, राइट। अगर मेंबर खाली नहीं बैठा हुआ है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे देंगे, तो आंसर होगा ऑल ऑफ देम, ठीक है। ये हुआ ग्रुप ए, अब बात करते हैं ग्रुप बी का। ग्रुप बी का देखो यहाँ पे ग्रुप बी स्टार्ट हो रहा है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड नेवर डाइज परपेचुअल एग्जिस्टेंस, इसका आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, विच वन इज द नॉट अ फीचर ऑफ कंपनी, इसका आंसर होगा सी नंबर, म्यूचुअल ट्रस्ट। 3rd नंबर है विच काइंड ऑफ कंपनी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लिमिटेड एंड प्राइवेट, कौन कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड लगाना नहीं पड़ता लास्ट में नाम के, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सेक्शन 8 कंपनी, डी नंबर आंसर, ठीक है। अब आता है डोरमेंट कंपनी कौन सा कंपनी है, ऑब्वियसली इसमें ट्रांजेक्शन तो नहीं होते हैं बट ये काम होता है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, बस खोल के रख देते हैं फ्यूचर में कुछ प्रोजेक्ट के लिए काम आएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। द पॉलिसी ऑफ डैश, पॉलिसी ऑफ फाइंडिंग ऑफ द ट्रूथ, कौन है मतलब कौन कुछ फ्रॉड किया वो सब जानने के लिए हम लोग लिफ्टिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल करते हैं ना, वो है इसका आंसर, तो 5 का डी होगा। गारंटी कंपनी कैसा कंपनी है, विच इज़ रजिस्टर्ड कंपनी एंड इट्स लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम, मेमोरेंडम में इसका लाइबिलिटी लिखा रहता है, इसका आंसर होगा सेक्शन 6 का सी होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन बी ऑफ, कितना टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स हो सकता है, इसका आंसर होगा 7 का बी 5, ठीक है ना, FGHIJ 5 टेबल था ना, इसका 7 का होगा बी। एनी एक्ट विच इज़ अल्ट्रा वायरस, ऑब्वियसली आपको अवॉइड होता है, तो आंसर होगा 8 का ए। प्रोस्पेक्टस मतलब 3 प्रोस्पेक्ट, डीम सेल्फ, तो ऑल ऑफ दिस होगा, इसका आंसर 9 का डी। कंपनी चेंज इज नेम बाय पासिंग SR इन जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी, ठीक है, बट इसमें देखो ना कंपनी अपना नेम चेंज कर सकता है कैसे, एक बार SR पास करके फिर इसको अप्रूवल भी लेना पड़ता है रजिस्ट्रार का, तो इसमें ऑप्शन तो दोनों ही होना चाहिए बट ऑप्शन तो वैसा दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए हम सोचे पहला ही वाला ऑप्शन, क्योंकि पहले जब तक SR पास नहीं होगा तब तक अप्रूवल क्यों लेगा, मतलब कंपनी कम से कम SR तो पास करना ही होगा। तो डैश फिस का था 11 डैश, ये तो भर भर के हम मार्क करके दिए थे कौन सा लाइबिलिटी किस में है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, क्रिमिनल लाइबिलिटी दिया रहता है सेक्शन 34 में, सेक्शन 35 में सिविल है, तो सिविल का तो सेक्शन ही गलत है, चलो 11 का बी बोल दिया। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या करता है, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट करता है कंपनी को, बट ये इंडोर मैनेजमेंट क्या करता है, बाहर वाले को प्रोटेक्ट करता है, तो इसका आंसर होगा ए। अ कंपनी मस्ट हैव डैश डायरेक्टर एज पर कंपनीज एक्ट 2013 लिस्टेड, हर एक लिस्टेड कंपनी को कम से कम वुमेन डायरेक्टर तो रहना ही चाहिए, एक वुमेन डायरेक्टर रहेगा ही रहेगा, कंपलसरी है, इसका आंसर होगा 13 का ए। कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे काम करेगा, ये वगैरह वगैरह कैसे करेगा, ये कहाँ लिखा होगा, शेड्यूल 4 में लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए होगा। डायरेक्टर आर डिस्क्राइब एज एजेंट एंड ट्रस्टी, ठीक है ना, 15 का ए। 16 बोलता है द प्लेसेस जहाँ पे इन्वेस्टर अपना फिजिकल फॉर्म सिक्योरिटीज़ का रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं, इसका आंसर होगा ए, डिपॉजिटरी, ठीक है। द डैश ऑफ इज गिवन इन 196 में अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना, 17 का ए। विच वेयर फ्रॉम डू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिराइव देयर पावर, इसका ऑल ऑफ दिस होगा, कुछ पावर्स आर्टिकल्स में लिखा गया, ठीक है, पावर डायरेक्टर का कुछ अगर आर्टिकल साइलेंट है ना तो कंपनीज एक्ट बोला गया कि अगर भाई आर्टिकल साइलेंट है तो कंपनीज डायरेक्टर तुम मेरा वाला फॉलो कर लो पावर, ठीक है। और तीसरा कुछ पावर ना अगर नहीं लिखा हुआ है कहीं तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर अपना पावर बढ़ा सकता है, इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। 19 क्या है, शेयर कैन बी इशू बाय पब्लिक कंपनी थ्रू एनी ऑफ द मोड पब्लिक प्राइवेट राइट बोनस सब डी। तो भर भर के इसमें एक चीज़ कॉमन है, ए और डी आंसर भर भर के है, ऑप्शन ए ऑप्शन डी। अब 20 आते हैं, 20 में क्या बोल रहा है ना, टू एग्जांपल ऑफ डिपॉजिटरी NSDL एंड CGCL, ठीक है ना, 28 का भी। 29 क्या बोलता है, द लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अराइजेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ रिजिस्टर, सब होगा इसका, ऑल ऑफ दिस होगा। एंड 30 आता है, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ डिवेंचर, इसका आंसर होगा डी, प्रेफरेंशियल डिवेंचर इज नॉट अ टाइप ऑफ डिवेंचर। 20 से लेकर 27 तक छूट गया, अभी जस्ट बता दे रहा हूँ, रुको। चलो देखो 20 का आंसर क्या है,
द कंपनीज एक्ट प्रोविड एनी इशू ऑफ विच इज इरेडिमल. इरेडिमल हम प्रेफरेंस शेयर भी इशू नहीं कर सकते, डिबेंचर भी नहीं कर सकते. तो ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस का आंसर. 21 क्या बोलता है, एबीएल लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी जहां पर मेंबर ना 5000 से बढ़ गया है. 5000 तक रहता तो हम लोग 15 करते कोरम, बट 5000 से बढ़ गया है तो हम लोग का कोरम मिनिमम 30 होगा. सब्सक्राइब कैपिटल कैन बी मोर देन रिजर्व कैपिटल, 22 का सी. 23 क्या बोलता है, ऐसा पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल जो हम लोग वाइंडिंग अप में यूज़ करेंगे तो रिजर्व कैपिटल होता है, 23 का है. 24 बोलता है DRR शैल बी क्रिएटेड आउट ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. कहाँ से करेंगे, कैपिटल प्रॉफिट से करेंगे, 24 का है. 25 क्या बोल रहा है, अ पर्सन जो वोट करता है इलेक्ट्रॉनिकली ई वोटिंग, तो उसको भले वोट कर ले इलेक्ट्रॉनिकली लेकिन हम उसको अटेंड करने देते हैं जनरल मीटिंग, ठीक है ना, इसको मना नहीं करते हैं. इसका आंसर होगा 25 का सी. 26 क्या बोलता है ना, हर बंदा जो डायरेक्टर बनता है ना तो डायरेक्टर बनने के बाद ही डायरेक्टर जैसा काम नहीं कर लेता, उसको वो काम करेगा उसका कंसेंट देना पड़ता है ना राइटिंग में, कौन सा फॉर्म नंबर में, DIR 2 में, ठीक है ना. 26 का ए होगा. 27 क्या बोलता है ना, हाउ मेनी टाइम्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हाउ मेनी टाइम्स कितना टाइम तक बन सकता है, 2 लगातार टर्म तक बन सकता है, अब मैक्सिमम 5 ईयर्स, ठीक है ना. तो आंसर होगा क्या, 27 का डी. सारे आंसर करेक्ट हैं, ठीक है ना, कोई भी गलत नहीं है, फिर भी एक दो में कॉन्ट्राडिक्ट होएगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो ही सकता है, ठीक है ना, कि कौन कौन सा आंसर देख रहा है, कुछ अमेंडमेंट रहते हैं कुछ वगैरह वगैरह, वो सब छोड़ो, अपना आंसर मिला लेना करेक्ट है, और ये नेगेटिव मार्किंग भी देख लेना, ठीक है ना, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना. थैंक यू सो मच.